अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं यहाँ हॉल में आई हूँ। आपको ये हॉल का नाम यूनी क्लब है ये, ठीक है। तो ये आपको बताएंगे कि आजकल यहाँ इसके क्या रेट्स चल रहे हैं। मैम, सीज़न के हिसाब से तब से रेट होते हैं। जैसे नवंबर, अभी ये अभी दिन नवंबर में नहीं है, तो अगर पार्टी आ जाती है 400-500 अफराद के लिए, तो उसके हम 150,000 भी ले लेते हैं, 140,000 भी लेते हैं, जहाँ भी आ जाए लेते हैं। दिसंबर के जैसे अब एंड के 2.5 लाख रुपये रेट है हमारा, इसमें कमी पेशी भी हो जाती है। जनवरी के अलग रेट है, फरवरी के अलग रेट है, फिर मार्च के अलग है, उसी हिसाब से रेट होते हैं। आप आए, विजिट करें, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे जो भी डिस्काउंट वगैरह कर देंगे। जी ठीक है, ठीक है। दोस्तों आपने देखा, इन्होंने बताया है, आप यहाँ आ जाइएगा। इसका एड्रेस आप बता दीजिए ज़रा इनको। और एड्रेस आपको है C356 ब्लॉक 1 मेन यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर, कराची। जी ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। जी जी, एक सेकंड मुझे काट। जी कराची यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, तो आपको ये इंशाल्लाह ठीक है। देखिए ये इन्होंने बता दिया, और एक सेकंड मैं ज़रा इसको नीचे रख के ना आपको इनका कार्ड और शो कर देती हूँ, ताकि आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये इनका कार्ड है, इसमें ये एड्रेस इनका, ये सेम है दोनों कार्ड। अच्छा ओके, ये हटा दें, ठीक है ना। ठीक है, ये देखिए ये इनका कार्ड है, इसमें एड्रेस और आपको सब मेंशन हो रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा और आप कुछ प्लीज़ आप और डिटेल बताना चाहेंगे इसकी। बस देखें, हाल पे आ जाए, विजिट वगैरह करें, हाल की खूबसूरती वगैरह देखें, ये चीज़ें देखें। जी, पार्किंग का नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी पार्किंग इसमें है, साउंड वगैरह इंट्री और डेकोरेशन, एसी वगैरह तमाम चीज़ें इंक्लूड होती है। जी जी, बाकी आप आइए, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी तरह विजिट करा देंगे, और जो भी रेट होगा उस हिसाब से आपके रेट वगैरह बता देंगे। ठीक है, अच्छा देखिए ये इनका ऑफिस है, शोकर देखिए ये इनका ऑफिस है। यहाँ पे आप यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं, आपके कोई शादी की पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे बहुत इजी। एड्रेस भी मैंने आपको इनका सारा बता दिया है, ठीक है। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अभी इनका देखें आपको ये ऑफिस दिखाया है, ठीक है। ये इनका ये ऑफिस हो गया, देखिए ये इनका ऑफिस है। यहाँ पे जो है ये शादी किला है, इसके शादी किला के बिल्कुल सामने आपको ये नज़र आएगा, यूनी क्लब बैंक्वेट बुकिंग ऑफिस। ओके ये हो गया, अच्छा ये इनका ऑफिस हो गया। अब मैं आगे आपको विज़िट करवा रही हूँ इनका। बेटा ओके, गेट पर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे ये मेन रोड पर है, ये देखिए ये इसकी पूरी फ्रंट है इसका, ये ठीक है। ये देखिए ये आपकी उधर भी एंट्रेंस है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ये है बस एंट्रेंस। ओके सो लेट्स गो, अब मैं आपको देखें इनका अंदर से विज़िट करवाती हूँ। बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा खूबसूरत सी एंट्रेंस है इसकी। ये देखिए ये आपका एसी भी है ना यहाँ पे। हाँ जी, ये बैंक्वेट पूरा यहाँ पे जो है, ये देखिए ये हो गई इसकी एंट्रेंस। बहुत ब्यूटीफुल एंट्रेंस है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इस तरह से एक मिरर भी लगा हुआ है, ये इन लोगों ने यहाँ बुकेस भी अरेंज कर रखे हैं। ठीक है, अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। देखिए एक यहाँ पे भी एक उन्होंने बुके लगा रखा है, ये भी यहाँ भी पिक्चर्स वगैरह ली जाएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए अब ये हम यहाँ पे एंटर हो गए हैं। बहुत ही पूरा सेटअप बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा है, वेरी नाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग आके और देख लीजिएगा। ये कितने लोगों का है अभी यहाँ पे? ये मेरे पास 700 का, ये 700 का है।
ठीक है ठीक है ठीक है। ये इस तरह से शेंड्रिल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ टेबल में इन्होंने इस तरह से ये बुकेस दिए हुए हैं सारे, और ये चेयर्स का देखिए ये इस तरह से अरेंजमेंट है पूरा। अच्छा लग रहा है, सेटअप बहुत अच्छा है। स्प्लिट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, देखिए ये भी यहाँ पे जो स्पेशल टेबल जो लगाई जाती है ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये पूरा इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है, ये देखिए ये इस तरह की चेयर्स हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है माशाल्लाह। अच्छा ये देखिए ये स्टेज है, ये मैं आपको बताऊंगी यहाँ से अभी जाते वक्त मैं दिखाऊंगी कि इनकी एंट्रेंस क्या दी हुई है उन्होंने। बहुत अच्छा सा सेटअप लग रहा है यहाँ पे, 5 सीटिंग का है ये। ये देखिए यहाँ पे ये एक इस तरह से ये भी दिया हुआ है, ये इन्होंने रियल रोज़ेस के यहाँ पे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है। ये शैंडल्स हैं, एक शैंडल यूँ लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए ये यहाँ से इस तरह से ये पूरा, ये मैं स्टेज पे खड़ी हुई हूँ और ये पूरा इतना अच्छा है। 70 इन्होंने बताया 75% के लिए ये बेस्ट है, ये ज़्यादा कंजस्टेड भी नहीं होएगा। देखिए यहाँ से इस तरह से इन्होंने ये बनाए हुए हैं पूरे, अच्छा सा लग रहा है, बहुत अच्छा है। ऊपर भी पूरे रोज़ेस इन्होंने इस तरह से यूँ लगाए हुए हैं। बस ये यहाँ तक जो है इस तरह से ख़त्म हो गया। ये यहाँ एक कंसोल लगा हुआ है, ये इधर इन्होंने टेबल पे इधर रियल रोजेस लगाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये इसकी जो है यहाँ से जाने की फ्लोरिंग बहुत अच्छी है, ये आप देखें ग्लास फ्लोरिंग है। अच्छा अब मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, ये देखिए ये एक ये बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए ये 6 पर्सन के लिए एक टेबल और बनाई गई है यहाँ पे, और ये ऊपर से इन्होंने ये अच्छा सा लगा रखा है। इधर ये शैंडल भी लगा हुआ है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस। अच्छा ये इन्होंने टेबल डिनर की इस तरह की ये देंगे, ये इस तरह की यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये पूरे अच्छे स्टील के दिए हुए हैं, ठीक है। इधर ये मिरर दिया हुआ है, अच्छा ये इस साइड पे जो है ये छोटी छोटी टेबल्स लगी हुई हैं। बहुत बड़ा हॉल है ये, मुझे तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि 75 से भी ज़्यादा लोग आराम से यहाँ पे सेट हो सकते हैं। अच्छा ये क्या, ये एक शेल्फ दिया हुआ है, यहाँ पे सैलेड वगैरह होते हैं ना। अच्छा ये देखिए ये इन्होंने अभी यहाँ कोई पार्टी होने वाली है
तो ये सैलड्स ये आप लोगों की तरफ से अवेलेबल होता है? अच्छा, ये आप लोग अलग लेकर आए हैं जो इन्होंने जहाँ से खाना वाना बनवाया है? अच्छा ठीक है, ये बता रहे हैं कि ये खाना जो और ये सब कुछ जो होता है ना, ये तो हमें आपको जो है अलग ही अपना ही कोई खानसामा से या जहाँ से उधर से ऑर्डर करवाना होगा, तो ये इनकी तरफ से अवेलेबल नहीं है। अच्छा ये देखें, ये भी एक बड़ा अच्छा सा सेटअप लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे जैसे तकरीबन मेरा ख़्याल है कितने हैं, 2 सोफ़ा सेट है ना, तो यहाँ पे 15-16 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो ये एक अलग वो है, स्पेशल गेस्ट यहाँ पे बैठा दिए जाएं, अच्छा लग रहा है ये सेटअप भी यहाँ पे। अच्छा लग रहा है ये चीज़ एक मुझे बहुत डिफरेंट लग रही है। यहाँ LCD भी लगी हुई है, वेरी नाइस। ये देखिए यहाँ पे ये 3 सेंटर टेबल्स लगी हुई हैं। ये शैंडल्स भी यहाँ अच्छे से लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ये सिंधी स्टाइल लग रहा है मुझे ना, आप भी देख रहे होंगे तो आपको भी फील हो रहा होगा ना, सिंधी स्टाइल है। वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस। ये स्प्रेड यहाँ पे लगाई हुई है, ये सिंधी स्टाइल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। डिफरेंट सी जगह हो गई ना ये, नाइस वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस। ये लालटेन लगाई हुई है यहाँ पे, ये भी एक अच्छा स्टाइल लग रहा है, लालटेन लगी हुई है। एक ये टेबल यहाँ लगी हुई है, ठीक है। एक मैंने आपको वहाँ दिखाई थी स्पेशल टेबल, एक ये है, ये एक लेडीज़ के लिए अलग कर दी गई है और जेंट्स के लिए अलग कर दी गई है। ये बिल्कुल स्टेज के जैसे बीच में स्टेज रखा है इन्होंने, और एक तरफ ये रखी है स्पेशल टेबल, एक उस तरफ रखी है सारे। तो गाइज़ आप लोग को अच्छी तरह से मैंने बहुत ही डिटेल में सब कुछ दिखा दिया है, एक एक चीज़ इस हॉल की दिखा दी है। अब अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप यहाँ इनके पास आ सकते हैं और अपनी पार्टी की बुकिंग करवा सकते हैं। तो और बाकी इन्होंने आपको बता दिया था कि इनके, आपने बता दिया था ना कौन से आपकी डेट्स फ्री हैं, और बाकी आप डिटेल सारी यहाँ आकर इनसे मालूम कर लीजिएगा। सो वेरी नाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग ख़ुद आके और देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।